अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 एग्जाम। तो दोस्तों आज आपकी हो चुकी 9 नवंबर 2019 की हम बड़ी अपडेट देखने वाले। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज की एक आवश्यक सूचना। और दोस्तों अयोध्या पर फैसले से यूपी में हाई अलर्ट, स्कूल कॉलेज आज से 12 तक बंद, सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। तो आज अयोध्या पर फैसला आ सकता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अयोध्या मामले पर फैसला आज, यूपी में सोमवार तक रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र बंद। तो दोस्तों पूरी अपडेट्स देखने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल अंतिम तक देखेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों को बताइए कि स्कूल बंद है, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो चुके हैं, आपको घर से नहीं निकलना। देखिए दोस्तों एक चीज हम बताना चाहेंगे आवश्यक सूचना में, क्योंकि आप लोग एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो अगर बाहर कुछ भी हो तो आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आपको बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखना है। इससे ये होगा दोस्तों कि जो बच्चों का फ्यूचर होता है वो कैरियर खत्म हो जाता है। तो आप लोग कभी मत चाहिएगा कि आपका नाम पुलिस रिकॉर्ड में कभी भी दर्ज हो। तो सिंपल सी बात है, आप लोग को घर में रहना है और कुछ नहीं करना है, चुपचाप टीवी देखिएगा और पढ़ाई करिए दोस्तों। और ये सब बिल्कुल भी गलत एक्टिविटी में आपको भाग नहीं लेना है। तो पहले दोस्तों आज के अपडेट देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। स्कूल कॉलेज आज से 12 तक बंद हो चुके हैं। शासन ने सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान व प्रशिक्षण केंद्र बंद करने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव सूचना व गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र शनिवार से सोमवार तक रहेंगे बंद। देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नई शिक्षक भर्ती 2020 को भी लेकर, तो आपको परेशान नहीं होना है। मंगलवार को गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में अवकाश पहले से है, अब स्कूल और कॉलेज 13 नवंबर को ही खुल सकेंगे। अलीगढ़ में शुक्रवार रात 12 बजे से इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। आगरा में शनिवार सुबह 9 बजे से इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे होंगे यार, तो लेकिन हम चाहते हैं आपकी हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आप लोग देखिए दोस्तों जितना शांति बनाए रखेंगे उतना ही सही रहेगा। देखिए दोस्तों हमारे जो स्टूडेंट थे वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम से भी हैं, तो हम आप दोनों से बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। और फैसले से पहले उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, योगी जी ने दिए कड़े निर्देश। जी हां दोस्तों, क्या निर्देश है? राम मंदिर पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले शुक्रवार रात से ही उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देर रात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि प्रदेश में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, गड़बड़ी करने वालों को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कोई भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करिएगा। गलती से भी अगर कहीं कुछ हो रहा तो आप लोग अपने घर पर रहिए, निकलना ही नहीं है, आपको अपना कैरियर पर फोकस करना है दोस्तों, क्योंकि ये सब बहुत ही गलत चीजें होती है। देखिए दोस्तों जो ये अराजक तत्व होते हैं वो गलती करते हैं और भाग जाते हैं, जो बच्चे सही होते सीधे होते वही पकड़े जाते हैं, ठीक है ना। सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के अलावा आईबी व अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। इस बीच डीजी जेल आनंद कुमार ने सभी जेलों में पूरी सतर्कता बरतने के साथ ही जेल अधिकारियों को हर समय जिला प्रशासन के संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी का कहना है कि सभी सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा कर ली गई है, शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व भड़काऊ पोस्ट करने वाले करीब 500 लोगों को पिछले एक माह में गिरफ्तार किया गया है। देखिए दोस्तों 500 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, भाई आपको कुछ भी गलत नहीं करना है, पहले हम बता दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर बेहद सतर्क नजर रखी जा रही है, सभी जिलों में वरिष्ठ अधिकारी फुल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अयोध्या में अर्धसैनिक बल पीएसी व पुलिस के अलावा अतिरिक्त 11 एएसपी 20 सीओ ये सब दोस्तों तैनात कर दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों एक चीज और है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जीत हार से जोड़कर ना देखा जाए, यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखें, लोग अफवाह पर कतई ध्यान ना दें, प्रशासन सभी की सुरक्षा व प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है। यदि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, हमारे मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरी अपडेट्स क्या निकल कर आई देखें।
ऐतिहासिक घड़ी, 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुबह 10:30 बजे सुना देगी दोस्तों आदेश। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा आदेश। अयोध्या विवाद पर फैसला आज होगा दोस्तों, समीक्षा जस्टिस गगुई ने किया सुरक्षा पर मंथन। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट्स निकलकर आपके सामने आने वाली है। तो हाई अलर्ट है दोस्तों, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए पूरे, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, देखिए शांति की अपील भी की गई है यहाँ पर कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। अयोध्या पर जो भी फैसला आएगा वो किसी के हार जीत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। हम सबकी यह प्राथमिकता रहे कि फैसला भारत की शांति, एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और बल दे, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों आज क्या आता है फैसला। किसी की भी जीत हो, किसी की भी हार हो दोस्तों, लेकिन एक स्टूडेंट्स की हमेशा जीत होती है। देखिए हमारा फोकस होना चाहिए अपनी पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, हमें अपना कैरियर बनाना है, आगे चलकर हमें नौकरी लेनी है, ठीक है। हमें मतलब होना चाहिए, नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। तो क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना कि हम इन सब बातों में अपनी जो पढ़ाई होती है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं। तो दोस्तों हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, हमें पढ़ते रहना है, ठीक है। कुछ भी हो रहा हो दुनिया में वो होने दीजिए, आपको फर्क दोस्तों तब पड़ेगा जब आपके पास नौकरी नहीं होगी। अगर आपका दोस्त नौकरी करे और आप लोग ऐसे ही बैठे ना तो आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो फिलहाल आपको अपनी तैयारी भी करते रहना है, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों ताकि आपके दोस्त भी सावधान रहे। घर से बाहर निकल रहे हो तो मत निकले कुछ देर के लिए दोस्तों, फिर आप लोग घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे टाइम में। थोड़ा सा सावधान रहना दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, डीएलएड और बीएड के अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं वो पहले यूपीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें। वो बिल्कुल परेशान मत हो कि उनका मान्य होगा कि नहीं, उनका बिल्कुल मान्य होगा दोस्तों। उसमें साफ साफ लिखा है कि अंतिम वर्ष के छात्र जो अपियरिंग में है और दोस्तों जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं सबको मौका दिया गया है। अब तक दोस्तों 2 लाख से अधिक छात्रों ने फाइनल सबमिशन कर चुके हैं यूपीटेट 2019 के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए कितना जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। तो आपकी लाइफ है यार, आपका कैरियर एक बार बन जाएगा, नौकरी करते रहेंगे उसके बाद सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों जब आपके पास नौकरी नहीं रहेगी ना तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। जल्दी देखने को मिल सकती है एक नई शिक्षक भर्ती। डेफिनेटली दोस्तों आपकी 69,000 जो शिक्षक भर्ती है वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। तो आपको बहुत ही जल्द एक बड़ी और एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप लोग परेशान मत होइए। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों यूपीटेट में पास होने का तरीका भी सीखेंगे सब कुछ। और दोस्तों एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई आज, उस पर भी दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या अपडेट आई आपकी। बीटीसी प्रशिक्षण 13/2, 2014, 2015 ये सब दोस्तों अनुत्तीर्ण अवशेष एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2017 चतुर सेमेस्टर की 14 नवंबर से प्रस्तावित परीक्षा प्रदेश के 346 केंद्रों पर होगी। तो ये भी दोस्तों एक बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए कि भाई डीएलएड चतुर सेमेस्टर का पेपर आ चुका है, तो वो बच्चे तैयारी में जुटे हैं। देखिए इस समय आपको अपनी तैयारी पर फोकस ज्यादा करना है और कुछ भी ध्यान नहीं देना है क्या हो रहा है दुनिया में, उन सबसे आपको दूर रहना है। क्योंकि दोस्तों जब तक आपका कैरियर नहीं बनेगा ना तब तक ये बातें अच्छी नहीं लगती। देखिए दोस्तों ये कुछ टाइम्स होता है जिसमें एक टॉपर बच्चा अपना एडवांटेज बनाता है, ठीक है। आपको बनाते कोई भी खेल होता है आपको लगता है ना कि यार इस समय इन्होंने अच्छी, जैसे क्रिकेट होता है तो जब पावर प्ले होता है तो आप लोग देखते होंगे यार रन ज्यादा तेजी से बनते हैं। आज होगा क्या हम आपको बता दें, एक स्टूडेंट की लाइफ में आज के कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। होता क्या है, आज अधिकतर बच्चे टीवी देखते रहेंगे, न्यूज चैनल देखते रहेंगे, ठीक है, सुबह से शाम तक, कल भी देखते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ इसी में देखते रहेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। और एक बच्चा टॉपर होगा वो कहेगा आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों यही वो एडवांटेज होता है, यही वो लीड होता है जो बच्चे करते हैं। और कुछ बच्चे उसी में खाली इधर उधर की बातों में दोस्तों पढ़े रहते हैं और उनका कैरियर दोस्तों यही से आपको देखिए, यही से आपका जो सफर तय होता है ना, जो एक बच्चा होता है वो 120+ स्कोर करता है और आप लोग हमेशा 90 से लेकर 100 के बीच में परेशान रहते हैं। तो जो बच्चे पासिंग मार्क के लिए भी तरस जाते हैं, 82 और 90 नंबर नहीं ला पाते दोस्तों, वो वही बच्चे होते हैं जो कुछ स्पेशल दिन पढ़ाई छोड़कर पूरा दिन अपना बर्बाद करते हैं, ठीक है। अगर एक अच्छा टीचर है, आप जहाँ कोचिंग ट्यूशन पढ़ते होंगे उससे पूछेगा दोस्तों, जब आप बोलते हैं कि यार कल तो सर जी संडे था इसलिए हमने पढ़ाई नहीं की, तो दोस्तों वो कुछ भले ना बोले क्योंकि वो रीजन होता है यार, आप वो कुछ बोलेंगे तो आप उनकी कोचिंग छोड़ देंगे, पढ़ने नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों बच्चों के लाइफ में यही कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, संडे हो गया, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आप ज्यादा पढ़ सकते हैं यार, आपके पास ज्यादा समय है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, फोकस करना है कि यार क्या हो रहा है दुनिया में, वो सब तो हमें जानना है। अपडेट देख लीजिएगा बाद में,
हम आपको खुद अपडेट कर देंगे। मुश्किल से 10 मिनट की वीडियोस में दोस्तों हम सब कुछ आपको बता देंगे, आखिर हुआ क्या शुरू से लेकर अंत तक, हर एक राज्य की, हर एक जिले की खबर हम आप तक लेकर आएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों वो ज्यादा बेटर होगा कि आप 10 मिनट में पूरी खबर जान जाए। अब दोस्तों आप यही करेंगे कि यार पूरा दिन लगे रहेंगे, घंटों घंटों अपना बेकार करेंगे। आप कोशिश करिएगा दोस्तों आप लोग मैथ पढ़ने की, मैथ पढ़िएगा ठीक है, और टीवी भी देखते रहिएगा क्योंकि टीवी देखते देखते आप मैथ पढ़ सकते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आपको उठाना है जो आपका एक साथ दो दो काम हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट भी कम ना हो और आप लोग की पढ़ाई भी पूरी होती रहे। तो आज का दिन है दोस्तों मैथ पढ़ने का, और लाखों बच्चे दोस्तों आपके साथ आवेदन कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन आपका टफ होगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है कि यार जहां हम यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं वहां पर एक कड़ा कंपटीशन हमको देखने को मिलेगा। अगर हम सही से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, आपका कैरियर खराब होगा दोस्तों। तो इन सब चीजों में आपको गलती नहीं करनी है। देखिए अब बंद हो जाएंगी इंटरनेट सेवाएं, काफी जगह बंद हो सकती है इंटरनेट सेवाएं, तो चलिए ठीक है बंद होने दीजिए। तो इसीलिए दोस्तों ये सब बंद किया जाता है कि जहां पर व्हाट्सएप तो ये सब बेमतलब की चीजें वायरल की जाती है ना, भड़काऊ पोस्ट, अगर आप ऐसा करेंगे तो पहले तो आप जेल ही चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं दोस्तों। जो आप अपनी फीलिंग्स हो ज्यादा मत शेयर करिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। हम नहीं चाहते दोस्तों कोई बच्चे की भाई करियर खराब हो, समाप्त हो, आपने इतने दिन मेहनत किया है। अगर जो बच्चा बीएड करने तक पहुंचा है ना या डीएलएड का कोर्स कर रहा है, अंदाजा लगा सकते हैं आपको कम से कम 12 साल तक तो वो ऐसे पढ़ा होगा एक से लेकर इंटर तक, प्लस 3 साल का कम से कम 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा होगा, मतलब 15 से 16 साल की पढ़ाई दोस्तों आप एक दिन में एक पोस्ट से खत्म कर सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान में रखना दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, घर पर रहिए शांति से और पढ़ाई करिए। यूपी टेट के छात्रों या डीएलएड 2017 बैच आपका पेपर आ चुका है, तो कहीं पर भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सी पढ़ाई करनी है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड दोस्तों, और जो नई शिक्षक भर्ती की अपडेट्स आएगी वो हम अगली वीडियोस में आपको देंगे। और दोस्तों देखिए 69,000 बिल्कुल अंतिम दौर में, तो बहुत ही जल्दी नई शिक्षक भर्ती आएगी, ये बात 100% सत्य है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, अपनी पढ़ाई करते रहना है, और यूपी टेट में इसके लिए आपको पास होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों। अगर यूपी टेट फेल हो गए ना तो आप नए शिक्षक भर्ती से ही बाहर हो जाएंगे, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।